अल्लाक माई यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू सैबल जाफरी कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ खुश हूँ और सबसे पहले आप सबका थैंक यू अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉगों को बहुत ज़्यादा पसंद किया अप्रीशियेट किया और जो लोग मेरे देखते हैं ब्लॉग उनमें से चंद लोगों ने सब्सक्राइब भी किया तो मैं उम्मीद करती हूँ जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें टू थाउजेंड सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कम्प्लीट करा दें तो बहरहाल यहाँ अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपनी मीन प्रेपरेशन ऑफ रमज़ान सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाई वो दिखाई थी क्लीनिंग ऑफ किचन बिफोर रमज़ान क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है रमज़ान से पहले अगर आपका किचन साफ़ सुथरा रहे तो वो करके मैं फारिग हो गई और एक दो सब्सक्राइबर ने कहा था कि हमें अपने किचन का मेक करना चाहिए तो यकीन करें बहुत जल्द मेरे किचन का मेक आने वाला है और हो सकता है कि मैं रमज़ान में ही अपने किचन का मेक ओवर करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ और दूसरे ब्लॉग में भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया यानी मेरी जो रमज़ान की ग्रॉसरी हुई उसमें भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया थैंक यू थैंक यू थैंक यू और यकीन करें आप लोगों के सब्सक्राइब करने से और कमेंट्स करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और अब आई थी बारी मील प्रेप की मील प्रेप में सबसे पहले मैंने आप लोगों को दिखाया जो कि बहुत कॉमन चीज़ है लेकिन हर घर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अदरक लहसुन अदरक लहसुन को मैंने अच्छी तरह पेस्ट बना के इसको कीप्स बना लिए और फिर आई थी बारी वेजिटेबल्स की ऑब्वियसली रमजान में सब्जियाँ ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है क्योंकि सब्जियाँ ऐसी चीज हैं जो कि हर चीज़ में इस्तेमाल होती हैं चाहे है वो चाइनीज डिशेस हों चाहे वो इटालियन डिशेस हों चाहे वो रोल हों कुछ भी हो तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि इस दफ़ा मैं रोल को वेजिटेबल चिकन की रेसिपी दूं और उसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा सब्जियां काट ली थी मेरे दिमाग में बहुत सारी रेसिपीज़ थी सब्जियों को लेकर तो इस वजह से मैंने सोचा कि सबसे पहले ही मैं सब्जियों को आ, काट के फ्रीज़ कर दूं और उसके लिए मैंने ली थी गाजर गाजरों को मैंने इस दफ़ा चॉपर में ही ग्राइंड कर लिया क्योंकि चॉपर में हमें पता ही नहीं था कि एक और ब्लेड था और उस ब्लेड में स्लाइसर भी थे चॉपर भी थे और जो कद्दूकश का ब्लेड होता है वो सब कुछ था तो इसमें जो है गाजरों का जो लम्बा लम्बा जो जो ब्लेड काटता है वो वाला भी था तो इससे मेरी गाजरें इतनी आसानी से कटी कि मैं बे खुश हो गई क्योंकि जो मैं शेप चाहती थी वो गाजरों की कभी नहीं आ पाती थी तो बहरहाल गाजरें मेरी बहुत अच्छी तरह कट गई थी और इसी तरह कैबिज भी जो है हमारे साहब काट रहे हैं इनको बहुत शौक चढ़ाता है बहुत अच्छा लग रहा था कि मामा मैं भी करूँगा मैंने कहा ठीक है नहीं पूछ पूछ आ जाइए और काट लीजिए तो उन उसको भी बहुत मज़ा आया और मैं ये समझती हूँ कि बच्चों को भी इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए और उन ताकि बचपन से पता हो कि रमज़ान के आने की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए और बाकी वेजिटेबल्स जिस शेप में मुझे चाहिए थी वो मैंने अपनी मेट से कटवा रही थी क्योंकि उसकी भी कटिंग बहुत अल्लाह होती है और वो सारी चीज़ें मैंने जिप लॉक में पैक कर दी अच्छा मजे की बात कि जिप लॉक भी जो मैंने जहाँ से लिए हैं वो आप ये समझ लें एक होलसेल मार्केट से मैंने लिए हैं और इतने इतने चीप मुझे ये ज़िप लॉक बैग मिले हैं कि कुछ हद हाँ नहीं मुझे यकीन करें ये मैंने थर्टी जिप लॉक बैग लिए हैं और वो मुझे मिले हैं वन सिक्सटी के कैन यू इमेजिन वरना मैं अगर अल्फतः या किसी भी स्टोर में चली जाऊँ तो इतने महंगे जिप लॉक बैग का पूरा पैकेट मिलता है कि पूछो नहीं तो मुझे यहाँ पर तो बहुत चीप ज़िप लॉक मिल गया और आप लोगों को भी चाहिए कि आप वहीं से जा लें ताकि आप बहुत ज़्यादा ज़िप लॉक बैग ले सके तो यहाँ हो गई थी मेरी सारी की सारी सब्जियां तैयार मटर भी मैंने पील ऑफ कर दिए थे जल्दी जल्दी और मैंने उसको फ्रीज कर दी थी और ये सारी सब्जियां जो मैंने ली वो इतवार बाजार से ली लेकिन कम कम ली मैंने ज़्यादा ज़्यादा नहीं ली मैंने ये तकरीबन दो हफ्तों के लिए ली है क्योंकि मेरे फ्रीज़र में इतनी जगह नहीं होती है कि मैं बहुत ज़्यादा सब्जियां ले आऊँ महीने भर की ले आऊँ उसको फ्रीज़ कर लूँ क्योंकि मुझे और भी चीज़ें फ्रीज़ करनी होती हैं अब आई है बारी चीज़ को ग्राइंड करने की अच्छा चीज़ मैं एक पैकेट लेकर आ जाती हूँ और फिर मैं इसका इस तरह इसको ग्राइंड कर लेती हूँ और यकीन करें ये इतनी ज़्यादा निकल आती है ये तकरीबन जो है दो हफ्ते या ढाई हफ्ते निकल आती है या आप जितनी भी चीज़ें बनाना चाहें स्टफिंग करना चाहें क्योंकि चीज़ में भी चीज़ भी बहुत जरूरी होती है रमज़ान में क्योंकि मेरे पास जितनी भी रेसिपीज़ हैं उसमें ज़्यादातर रेसिपीज में चीज बहुत जरूरी है यानी चीज़ इज़ ऑलसो द मेन रेसिपी तो इस तरीके से मेरी चीज़ कंप्लीट हो गई थी और अदरक लहसन भी हो गया था और साथ साथ मेरी सारी सब्जियां भी कट हो गई थी अच्छा इस दफ़ा मैंने कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं की मेक एंड फ्रीज़ की क्योंकि मैंने सोचा कि इस दफ़ा मैं आप लोगों के साथ रेपी रेसिपीज़ को शेयर भी करूं रेपी सीख कह रही हूँ यानी कोई अच्छी अच्छी सी रेसिपी शेयर करूँ हाँ जो एक नॉर्मल अवतार में जो सारी चीज़ें होती हैं वो मैं मेक एंड फ्रीज़ कर रही हूँ या उस वक्त बनाना नहीं दिल जाता जैसे कि रोल हुए समोसे हुए और इस दफ़ा मैंने दो तीन चीज़ें ऐसी सोची हैं कि मैं नई चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं तो वो आगे आ, आएंगी एंड तक ज़रूर देखिएगा कि एक दो रेसिपीज़ हैं जो आप लोगों को नई लगेंगी तो बहरहाल यहाँ मैं बना रही थी चिकन रोल की रेसिपी चिकन वेजिटेबल रोल की और उसमें मैंने सिंपली अदरक लहसुन डाल के उसमें सारी सब्जियाँ डाल दी और इस सब्जियों के अलावा मैंने इसके अंदर कॉर्नस भी डाले थे मैंने सोचा कि इस दफ़े रेसिपी को थोड़ा सा चेंज किया जाए तो सब्जियों के बाद मैंने इसके अंदर डाले कॉर्नस और कॉर्न के बाद इसके बाद मैंने जितने भी सॉसेस मेरी पसंद के थे जिस तरह सोया सॉस हुआ सिरका हुआ चिली सॉस हुआ और ये पेरी पेरी सॉस और नमक काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च इस दफ़ा मैंने ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने डाली हैं और आखिर में मैंने इसके ऊपर चीज़ डाल दी थी और सॉरी ये औरगैनो जो ये भी मैंने डाला था थाइम मैंने सोचा था डालूंगी लेकिन थाइम मुझे मिला नहीं था घर में ऑर्गेनो ही रखा हुआ था मैंने कहा चलो यही क्यों ना डाल दो तो मैंने फिर थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल दिया था और साथ साथ हरी प्याज भी डाल दी थी तो यकीन करें जब मैंने ये टेस्ट किया तो बहुत ही मज़े का था और आखिर में एट दी एंड मैंने इसके ऊपर चीज़ डाल दी थी चूल्हा बंद करके यानी जितनी भी वो मेल्ट हो वो उसी की गरमाई में, में मेल्ट हो जाए और फिर मैंने ढक दिया था जब ये ठंडा हो गया था तो फिर चीज़ को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया और उसके बाद मैंने इसके अंदर फिलिंग करना स्टार्ट कर दी तो तकरीबन मैं ये समझती हूँ कि दो हफ्तों के लिए तो रोल तक, तकरीबन तैयार हो गया अच्छा इस दफ़ा जो मैं रोल पट्टी लेकर आई थी वो लेके आई हूँ छोटी वाली बड़ी वाली नहीं लेकर आई और रोल पट्टी भी यूज़ करने का तरीका यह है कि जब आप लेकर आते हैं तो उस वक्त आपकी रोल पट्टी बहुत ज़्यादा फ्रीज हुई भी होती है तो आप अमूमन जो लोग हैं वो फ्रीज़र से लाकर फ्रीजर में ही डाल रख देते हैं लेकिन मैं इस दफ़ा मैंने इस दफ़ा फ्रीज़र के अंदर नहीं रखी मैंने इस दफ़ा फ्रिज के अंदर रखी और फ्रिज के अंदर ये मेल्ट हो गई थी और फिर बहुत अच्छी तरीके से इस तरह लेयरिंग निकल गई थी वरना रोल पट्टी हमेशा मुझसे फट जाती थी तो मैंने इस दफ़ा इसको बहुत आराम से फ्रिज के अंदर रख कर और दूसरे दिन जब मैंने इसको निकाला तो ये बहुत अच्छी तरह एक तरीके से डिफ्रॉस्ट हो गई थी और आराम से पट्टियाँ निकल रही थी तो इस तरीके से मेरे रोल सारे के सारे हो गए थे तैयार और अक्सर लोग मैं ंडा यूज़ करते हैं इसको बाइंडिंग करने के लिए लेकिन मैं यूज़ करती हूँ अंडा क्योंकि मैदे से मैं नहीं समझती कि कोई अच्छी बाइंडिंग होती है एज़ कम्पेयर टू अंडा आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा कि अंडे से बहुत अच्छी बाइंडिंग होती है और यहाँ पे मेरे सारे के सारे रोल हो गए थे तैयार और कम से कम माशा माशाला से ये तीन पैकेट पैक हुए थे मैंने काउंट नहीं किए लेकिन इतना अंदाज़ा हो गया कि तकरीबन ये दो हफ्ते तक तो रोल चल ही सकते हैं तो यहाँ पे मेरे हो गए थे रोल तैयार और अब आई थी बारी समोसों की अच्छा समोसों की भी फिलिंग इस दफ़ा मैं डिफरेंट कर रही हूँ लास्ट टाइम मैंने रोल और समोसों की फिलिंग एक सी कर दी थी लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं कुछ डिफरेंट फिलिंग के साथ काम करूँ आगे भी जो रेसिपी आएगी वो भी डिफरेंट फिलिंग की ही आएगी तो एक फिलिंग हुई चिकन वेजिटेबल रोल और ये वाली जो र, 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 फिलिंग है ये है पोटैटो चिकन रोल विथ सम यानी आप भी कह सकते हैं क्रीमी पोटैटो चिकन समोसे तो इसमें मैंने क्या क्या डाला रेसिपी बताने से पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग मेरे अभी व्लॉग्स देख रहे हैं काइंडली सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और यकीन करें आजकल के व्लॉग्स मैं बहुत बहुत मेहनत से बना रही हूँ और हर कोई मेहनत से बना रहा है उन सब भी सबको सब्सक्राइब कर दें और मुझे भी कर दें तो बहरहाल यहाँ मैंने ऑब्वियसली सबसे पहले लिया आलू आलुओं को मैंने अच्छी तरह मैश किया बॉयल करके उसमें मैंने सारे मसाले डाले उसमें मसाले जैसे नॉर्मल होते हैं नमक मिर्च लाल मिर्च और जीरा पाउडर और मैंने इस दफ़ा एक अलग सी चीज़ डाली और हाँ चाट मसाले भी डाला और इन सब के अलावा मैंने एक और मजेदार चीज़ डाली और वो थी अनारदाना अनारदाना मेरा बहुत रहा था कि इस दफ़ा मैं समोसों में डालूं लोग कुटा हुआ धनिया डालते हैं या धनिया साफ डालते हैं लेकिन मैंने इस दफ़ा सोचा कि कुछ खट्टा सा समोसा बनाया जाए तो इसलिए मैंने उसके अंदर अनारदाना डाला और साथ साथ चिकन और बाइंडिंग के लिए मैंने इसके अंदर डाल दिया माइनीज क्योंकि माइनीज से क्या होता है कि ये अलग अलग नहीं होते और फिर आई थी बारिश समोसे बनाने की अच्छा रोज से ज़्यादा मुश्किल तरीन स्टेप मुझे ये लगा यानी समोसे बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ और एक तो टेक्निक आती थी जो ये आपने देखी जो मैं टेक्निक से मैंने समोसे बनाए कि एक तरफ पलटा फिर दूसरी तरफ पलटा और इस तरीके से मैंने समोसे तैयार कर दिए अच्छा यहाँ पे मैंने दो आप लोगों को टेक्निक सिखाई हैं समोसों की तो एक तो यही थी आगे जाके आएगी तो फिर मैं आपको वो भी सिखाऊंगी यानी हर समोसे बनाने में ना मुझे एक नया मज़ा आ रहा था यानी हर समोसा एक नए तरीके से बन रहा था टेक्निक तो वही थी लेकिन इसको उलट पलट करके जो भी आ रहा था समझ वो मैं कर रही थी जिस तरह यहां पे मैंने एक तरफ पलटा फिर मैंने दूसरी तरफ पलटा अब ये जो कोन बन गई अब कोन के अंदर मैंने डाल दी फिलिंग अच्छा कोन को बनाने के लिए दूसरी तरफ में मुझे अंडा लगाना पड़ा ताकि वो अच्छी तरीके से बंद हो जाए क्योंकि अगर ये वाली साइड खुली रहती तो वो कौन शेप सही तरह नहीं बनती और सारी की सारी स्टफिंग जितनी भी थी वो दूसरी तरफ से निकल जाती खैर यकीन करें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और यहाँ इस वक्त बज रहे थे रात के बारह और मैं ये सब काम कर रही थी और सब मुझे देख रहे थे कि मामा आप ये क्या कर रही हैं और लेकिन हेल्प भी करने आ रहे थे जैसा ये वाला शॉट जो शूट किया है वो मेरे दूसरे बेटे ने किया है और उसने भी हेल्प की तीसरे बेटे ने भी हेल्प की मेरे जो दो छोटे बेटे हैं वो बहुत मेरी हेल्प करते हैं वाइल्ड डूइंग एनी व्लॉग या ऐसी शूट करने में बहुत हेल्प करते हैं माशाल्लाह से और एक तो ये तरीका था अब आगे जो तरीका आया है वो भी बहुत मज़े का आया और मज़े के बाद वो तरीका मैंने यूट्यूब में निकाला क्योंकि इस तरीके से ना मुझे इतना ज़्यादा ख़ास मज़ा नहीं आ रहा था तो अब जो मैंने एक डाला वो बिल्कुल बोट नुमा मैंने जो है वो आइडिया निकाला जैसे बचपन में हम लोग कश्ती बनाते थे और एक तरफ बीच में लेके कर आते थे फिर दूसरी तरफ बीच में लेके आते थे और अब इसमें भी यही है कि एक तरफ बीच में लेकर आ गए वन साइड एक तरफ बीच में ले आ गए दूसरी साइड को भी उसके ऊपर ले आए और चिपका दिया और फिर बीच में जो गैप यानी जो बीच में फिलिंग थी यानी फिलिंग होने की जो गैप थी वहाँ पर हमने फिल कर दिया और फिर नीचे से इसको हमने पलट दिया और इस तरीके से समोसे तैयार तो ये वाला आइडिया जो मैंने देखा था वो यूट्यूब में मैंने देखा था मैंने कहा समोसों को फिलिंग यानी समोसे बनाने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं ख़ासतौर पर ये रैपिंग करने के बहुत से तरीके हैं फिलिंग तो आपको इसी भी करना चाहें वो आपकी मर्जी है लेकिन मेन ट्रिक होती है ये वाली कि जो ये आ, समोसे मैंने बनाए तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैंने दो ट्रिक से समोसे सारे के सारे बनाए और माशाल्लाह माशाल्लाह से समोसे भी बहुत अच्छी तरह बन गए थे सारे के सारे और तकरीबन ये भी इतने समोसे बन गए थे तकरीबन कि ये भी दो हफ्ते तक चलेंगे आराम से जो लोग इस वीडियो को देख के मुझे कमेंट करेंगे तो वो साथ साथ ये भी कमेंट करेंगे कि उन लोगों ने रमज़ान की क्या क्या प्रिप्रेशन की या मेक एंड फीस क्या क्या किया क्योंकि बहुत सारी खातन जो हैं वो करती ज़रूर होंगी ऑब्वियसली मेरी भी फैमिली ज़रूर करती होगी कि वो लोग रमज़ान की उन्होंने क्या क्या तैयारियां की मैंने तो फिलहाल जो जो तैयारियां कर रही हूँ वो मैं सब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चाहे वो क्लिनिंग की हो चाहे वो ग्रॉसरी की हो चाहे वो मील प्रेप की हो और आगे भी जो ब्लॉग आने वाला है वो बहुत ज़बरदस्त ब्लॉग आने वाला है लेकिन वो वाला ब्लॉग जो है वो आई थिंक पहली रमज़ान होने के बाद आए क्योंकि मैं थोड़ी सी देर से उठी थी आ, क्योंकि काम भी मुझे बहुत थे बीच में दूसरे बिजनेस के भी काम थे तो बहरहाल यहाँ पे मैंने छोले और ब्लैक बीन्स भी आ, जो है वो बॉईल कर लिए थे काले छोले भी बॉईल कर लिए थे और इस तरीके से माशाल्लाह मेरा पूरा का पूरा फ्रीज़र भर गया था ये वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है और आएगी भी रमज़ान से एक दिन पहले क्योंकि मुझे काफ़ी लेट हो गया था मील प्रेप करने का क्योंकि ये तीन से चार दिन में ये सारे मील्स बने हैं तो ये देखें कितनी मेहनत होती है और फिर हम आपके लिए ब्लॉग लेकर आते हैं बाहर आ यहाँ में दिखा रही थी बटर पेपर बटर पेपर भी जिस तरह की मुझे जिप लॉक बैग बहुत चीप मिले इसी तरह बटर पेपर भी मुझे बेानतहा चीप मिले उसी होल मार्केट से तो आप लोग कोशिश क्या करें कि हर चीज़ जो है होल से मार्केट से लिया करें ताकि इतने ही चीप हुआ करें एज़ कम्पेयर टू आप किसी भी बड़े स्टोर से लें यहाँ पर मैं करवा रही थी अपनी रोटियों को फ्रीज क्योंकि सैरी में जो है आ, मैं ऐसे ही हमेशा रोटियों को कच्ची पक्की करके और बटर पेपर या फिर एलमिनियम फॉइल पे आटा और तेल की लेयर लगा के इनको कर देती हूँ फ्रीज़ इनसे बहुत फ़ायदा रहता है यानी आप शहरी की टाइमिंग में भी बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत पहले उठ जाएँ और फिर बनाना आप स्टार्ट करें अपने पराठे या तली हुई रोटी जो भी आप लोगों के घर खाया जाता है चाहे हमारे घर जो खाई जाती है वो तले हुई हल्के से तेल में तली हुई रोटी खाई जाती है पराठे कभी कभार मैं या हुसैन खा लेते हैं लेकिन रोटी जो है हमारे जो दो मर्द हजरात हैं वो खाते हैं रोटी तो इस तरीके से मैं रोटी को जो हूँ मेट से एक दिन पहले ही जो है वो कच्ची पक्की करवा के मैं फ्रीज करवा लेती हूँ तो इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा होता है अब आई थी बारी जो मैंने आपसे कहा था कि एक यूनिक रेसिपी आने वाली है चिकन क्रेप्स यानी चिकन क्रीमी क्रेप्स की आ रही है रेसिपी है, उसके लिए मैंने क्या किया था मैंने सिंपली लिया था तेल और तेल के अंदर चॉप किया हुआ लहसुन डाल दिया था और फिर मैंने चिकन के क्यूब्स डाल दिया था दैट्स ऑल चिकन के क्यूब्स कोशिश करें कि छोटे छोटे हों बड़े ना हों क्योंकि हमें करवानी है इसकी फिलिंग आ, क्रेप्स के अंदर तो आ, क्रेप्स इतने नाजुक होते हैं यानी नाजुक क्या होते हैं बहुत ही लाइट होते हैं कि अगर आप मोटे मोटे चंक्स डाल देंगे उसके अंदर तो वो फट जाएंगे तो इसलिए कोशिश करें कि आप चिकन के बहुत छोटे छोटे स्मॉल पीसेस कर लें तो मेरे आ, मैं जितना कर सकती थी छोटे छोटे मैंने कर दिए अदरवाइज़ मैंने कहा कि चलो अल्लाह मालिक है तो बहरहाल यहाँ आपकी अपनी मर्जी आप कोई से भी सॉसेस डाल दें मैंने जो सॉसेस डाले थे वो मैंने डाले थे नमक मिर्च काली मिर्च सोया सॉस सिरका लेमन जूस चिली सॉस और ओरिगेनो एंड और सफ़ेद मिर्च भी डाली थी तो ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी थी और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैंने डाला था चिकन क्यूब भी और थोड़ा सा पानी ताकि वो स्टॉक बन जाए और उसके बाद जो है मैंने डाला कॉर्नस और शिमला मिर्च ये आपकी अपनी मर्जी है अगर आपको प्लेन ही रखने विदाउट वेजिटेबल्स तो आप वो भी रख सकते हैं लेकिन शिमला मिर्च और कॉर्नस मेरे फेवरेट है और इससे कुछ जायके में कुछ और अच्छा जायका आ जाता है तो इस वजह से मैंने ये दोनों चीज़ें में डाल दी और इसको ज़्यादा पतला मत करिएगा यानी बहुत ज़्यादा ड्राई मत करिएगा हल्का सा जूसी जूसी रखिएगा और उस स्टेज में आके आप इसके अंदर डाल दें क्रीम और क्रीम के बाद आप डाल दें इसके अंदर चीज दैट्स ऑल और अच्छी तरह मेल्ट जब चीज हो जाए तो बस चूल्हा तो आप बंद कर दीजिए तो आपकी ये फिलिंग ऑफ क्रेप्स डन साथ साथ मैं ये भी कहती चलूँ काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल हिट द आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली प्लीज़ कर लें क्योंकि ये वाले ब्लॉग्स और आने वाले ब्लॉग्स बहुत बहुत मेहनत से बन रहे हैं और बनेंगे बहरहाल यहाँ पे बन रहे थे क्रेप्स क्रेप्स के लिए आप देते हैं दूध अंडे सॉल्ट शुगर ऑयल उनको कर दें आप अच्छी तरीके से मिक्स चाहे वो ग्राइंडर में मिक्स कर दें या आप अपने हैंड ब्लेंडर से मिक्स कर दें कि आपकी अपनी मर्ज़ी है और आप जितना भी पतला चाहें वो वो भी आपकी मर्ज़ी है बहुत ज़्यादा पतला मत रखिएगा क्योंकि फिर क्रेप्स बनना थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे और इस तरह आप ग्रीस कर लें अपने फ्राइंग पैन को और बस एक चम्मच ले लें मैंने बड़ा सर्विंग अपना जो खाना पकाने का चम्मच होता है मैंने वो लिया था और बस वही एक करके मैंने वही मेजरमेंट होता है मेरा मैंने वही बना लिए थे तो ये बन गए थे मेरे क्रेप्स और बहुत मज़ेदार क्रेप्स बने थे यकीन करें और अगर आप लोगों का दिल चाहे तो आप आ, इसके अंदर न्यूट्रेला की भी फिलिंग्स कर सकते हैं फास्ट फॉरवर्ड में जितना ये जल्दी जल्दी आप लोगों को नज़र आ रहे हैं लेकिन ये उतने ही देर में बने थे यकीन करें क्रेप्स को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है अच्छा ये एक कप ऑफ मैदा यानी वन कप ऑफ मैदा से तकरीबन ये बारह बन गए थे क्रेप्स तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको भी जितने भी क्रेप्स चाहिए तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना मैदा लेना है यानी अगर आप दो कप मैदा लेंगे तो फिर इसके डबल बन जाएंगे तीन कप जाएंगे तो वो और ट्रिपल बन जाएंगे तो बहरहाल मैंने आपको इसका मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया था और फिर मैं रात को आराम से ले कर बैठी क्रेप्स बनाने यानी इसकी फिलिंग करने के लिए मैं आराम से बैठी अपनी चाय वाय लेकर और फिर मैंने आराम से यकीन लिटरली यहाँ इस दिन मुझे डिनर पे भी जाना था मैं जब डिनर से वापस आई अच्छा डिनर से पहले पहले मैंने कुकिंग का काम कर लिया था क्योंकि हमारे यहाँ गैस चली जाती है एज़ यूज़ुअल तो आप 10 बजे के बाद कोई कुकिंग नहीं कर सकते तो हम सारा कुकिंग का काम करके मैं चली गई थी डिनर पर और फिर जब मैं वापस आई हूँ तो फिर मैं सो गई थी मज़े की बात यह और फिर मैं रात के डेढ़ बजे उठी हूँ तो फिर मैंने सूर्य कैफ पढ़ी है और सूर्य कैफ पढ़ने के बाद फिर मैंने सोचा कि हिम्मत करके क्रेप्स भी बनाए लिए जाएं तो मैं आपको यही बता रही हूँ इतनी मेहनत करके हम बनाते हैं और फिर रिजल्ट हमें कुछ ना मिले तो हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होते हैं हमसे मुराद ये है कि बाकी जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो हर कोई जो है वो बहुत बहुत मेहनत से अपने अपनी वीडियोस बना रहे हैं शूट बना रहे हैं और एक यूट्यूबर ही यानी एक ऑब्वियसली एक हाउसवाइफ यूट्यूबर मैं ये कह सकती हूँ वो ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकती है कि हर चीज़ को शूट करना फिर उसके बाद उसको एडिट करना अपलोड करना और रमज़ानों की वजह से सही वक्त पे अपलोड करना बहुत मुश्किल का काम है तो हम बदले में सिर्फ यही चाहते हैं कि आप लोग लाइक करें शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिख के बता दिया करें कि कैसा लगा है बुरा लगा है तो भी बता दें अच्छा लगा है तो भी बता दें या कोई चीज़ सही करवाना चाहते हैं वो भी बता दें मैं किसी चीज़ का कोई भी, भी माइंड नहीं करती हूँ तो बहरहाल यहाँ बन गए थे मेरे क्रेब्स यहाँ परॉक्स जो है वो मेरे 11 से 12 क्रेब्स बन गए थे और फिलिंग मेरी बच गई थी तो मैंने सोचा कि अभी इन, इन फिलिंग को मैं फ्रीज़ कर देती हूँ और फिर इन शह बनाना क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी वो अंडा और दूध और सब कुछ मैदा वैदा फेंट के मैं आराम से फिर क्रेप्स बना लूँगी तो फिलिंग मिलना करना मुश्किल होती है तो उसको मैंने कर दिए थे फ्रीज़ और यहाँ पे भी मैंने क्रेप्स को भी जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दिया थे तो बहुत अच्छे तरीके से मेरे हो गए थे क्रेप्स तैयार रात के ढाई बजे ट्रेप्स के बाद अब आई थी बारी द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन रमज़ान वो है शामी कबाब शामी कबाब एक ऐसी चीज़ है जो आप शैरी में खा सकते हैं बहुत आराम से और प्लस आप खा सकते हैं अपने रफ्तारी में भी तो ये मैं अपने लिए तौर पर बनाती हूँ क्योंकि मैं कभी कभार शैरी में मुझे अंडा इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है तो अंडे की बजाय मैं शामी कबाब को फ़्राई करके खा लेती हूँ तो और इतनी ख़ास रेसिपी में भी, भी नहीं होती बस फ़र्क यह है कि मैं कीमे के नहीं बनाती मैं गोश्त के शामी कबाब बनाती हूँ यानी रेशेदार शाम कबाब बन जाते हैं और उसके लिए मैंने लिया था सिंपल गोश्त प्याज गरम मसाले खड़े गरम मसाले और साबुत मिर्च नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट और चने की दाल सारी चीज़ें मैं इकट्टा डाल देती हूँ और आखिर में मैं नमक डालना भूल गई थी तो मैंने लास्ट में नमक भी डाल दिया और जब मेरा गोश्त गल गया चने की दाल गल गई पानी खुश्क हो गया तो उसके बाद मैंने कर दिया ग्राइंड और ग्राइंड करने के बाद उसके बाद मैंने डाला अंडे और फिर प्याज और पुदीना और हरा धनिया को भी मिक्स करके मैंने उसके अंदर डाल दिया अच्छा हमारे घर वाले किसी भी चीज़ में हरी मिर्चें नहीं खाते तो इसलिए मैं हरी मिर्च किसी में भी नहीं डालती इवन मुझे भी शामी कबाब में जो कटी हुई हरी मिर्च है वो नहीं पसंद तो मैं वो नहीं डालती तो शामी कबाब में मैं फिलिंग के लिए जो डालती हूँ वो सिर्फ सि प्याज हरा धनिया और पुदीना दैट्स ऑल रहा इस तरीके से हमारे शामी कबाब भी हो गए थे तैयार बहुत मज़े से खैर जब मैं शामी कबाब बना रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि मेरे फ्रीज़े में जगह होगी या नहीं होगी लेकिन नहीं थी तो मैंने शामी कबाब के लिए जगह बनाई यानी उसमें से कुछ चीज़ें निकाली और नीचे वाले फ्रिज में मैं लेके गई यानी फ्रीजर में लेके गई और फिर शामी कबाब को मैंने उसके अंदर डाला बहरहाल अब आखिरी रेसिपी जो बन रही थी वो बन रही थी ड्रम स्स्टिक यानी चिकन जूसी ड्रम स्टिक अच्छा ये वाली ड्रम स्टिक मैं सिंपल मैरिनेट करके रख दूंगी उसके बाद इसको स्टीम देके के शेलो फ्राई करूंगी दैट्स ऑल और जब मैं करूँगी वो भी मैं आपको बता दूंगी फिलहाल यहाँ पर मैं सब मसाले अपनी मर्जी से डाल रही थी और वो मसाले क्या क्या थे नमक काली मिर्च चिली सॉस सॉरी चिली मिर्च यानी क्रश चिलीज और पिसी लाल मिर्च और पेपरिका पाउडर से फूड कलर के लिए मैंने डाला था प्लस ये चटनी योगर अदरक लहसुन और बाकी गरम मसाला चाट मसाला धनिया पाउडर हल्दी ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी थी और मैंने सोचा कि इसके अंदर मैं तिक्का पैकेट डालूँ मैंने कहा नहीं आज इस दफ़ा जो है अपने ही मसालों से देखूं ड्रम किस तरह बनती है क्योंकि मैं नॉर्मली अपनी घर के लिए अफ्तारी के लिए बना रही थी हम मेहमानों के लिए बनाती है तो मैं कुछ सोच समझ के बनाती तो मैंने कहा पहले कि ट्राई किया जाए कि ये कैसे बनती हैं तो फ़िलहाल मैंने नॉर्मली इसको मैरिनेट करके फ्रीज़ कर दिया था और मैंने कहा था आगे जाके किसी भी वक्त मैं अफ्तारी के वक्त निकालूंगी और आप लोगों को बताऊँगी कि ये किस तरह बनी है तो बहरहाल हाल यहाँ मेरी हो गई थी एट लास्ट मील प्रेप की पूरी की पूरी तैयारी मैंने कोई ख़ास चीज़ें नहीं बनाई मैंने रोज़मर्रा की चीज़ें बनाई हैं ताकि ये मुझे ही हेल्प की हूँ क्योंकि मैं एक अकेली औरत चहरी भी बनाती हूँ अवतारी भी बनाती हूँ और माशाल्लाह से हमारा खाना भी बनता है और हसन अब्बास वीक डेज़ में रोज़ा नहीं रखेंगे तो इनका खाने भी साथ साथ चलते रहेंगे तो बहरहाल ये था मेरा व्लॉग आई होप आपको मेरा ये मील प्रेप यानी मेक एंड फ्रीज वाला ब्लॉग पसंद आया होगा सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर हिट दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा यकीन करें बहुत बहुत मेहनत से यह ब्लाग बना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कैसा लगा इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ to learn a lot of this